सलाम साथियों, जैसा कि आप सब हमारी परेशानी के बारे में तो जानते ही हैं, पर आज जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आऊँ। चाहती तो मैं लिख भी सकती थी, पर लिखने का इतना कोई असर होता नहीं है क्योंकि आप लोग हमारी फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, लिखने में क्या फीलिंग्स है। अभी थोड़ी देर पहले खालिद का कॉल आया था। खालिद का 2-3 दिन से कॉल नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि उनका कॉल क्यों नहीं आया। ये एक 5 मिनट कॉल होता है, मैं बहुत क्लियर करके सबको बता रही हूँ, 5 मिनट कॉल होता है जो कि जेल अथॉरिटी की तरफ से ही आता है। तो 2-3 दिन से वो कॉल नहीं आ रहा था, तो मैं इस वजह से परेशान थी कि क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा। हो सकता है फ़ोन ख़राब हो, कई बार जेल का फ़ोन ख़राब होता है तो 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन फ़ोन नहीं आता। पर आज जब उनका फ़ोन आया तो वो बहुत घबराए हुए थे, उनकी आवाज़ में दर्द, घबराहट और बहुत ज़्यादा फिक्र थी। आज खालिद की तबीयत ठीक है बिल्कुल भी, उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है, 400 के आसपास उनका शुगर हो रहा है जो कि कभी नहीं होता। खालिद का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको 3-4 दिन से फीवर है, कल रात से वॉमिटिंग है, लूज मोशन लगे हुए, 3-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, जेल की कैंटीन में कुछ नहीं मिल रहा और जेल का खाना खाने लायक नहीं होता। बहुत तकलीफ में है वो, उनको वहाँ पे कोई इलाज मुहैया नहीं हो रहा है, उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उनको बार बार फीवर की दवाई देके बोल दिया जाता है कि ये खा लो ये खा लो, कोई दवाई नहीं है, कोई तबीयत उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है, कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल जो भी उन लोगों ने जेल के अंदर बना रखे है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इंसान इतनी तकलीफ में है कि अब कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग उनके लिए। मेरे हाथ जोड़ कर जेल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को इलाज मुहैया करवा दीजिए प्लीज़, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। मेरे लिए मेरे शौहर के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग भी जीते जी मर जाएंगे, ये बहुत तबीयत खराब है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके लिए लिखे ताकि उनको अच्छे से इलाज मिल सके। शायद 2.5 साल में खालिद ने इस तरीके से मुझसे बात करी होगी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों का ख्याल रखियो। आप सबसे दुआ की गुजारिश है, मेरे शौहर के लिए लिखिए, आवाज़ उठाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उनको ही इलाज मिल जाए, अच्छे से इलाज मिल जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाइए।